Hello students, we are in the second lesson of history. Let's see last two concepts and let's finish this lesson. Okay, so हमारे सामने concept है changes in social field. During this period there were several major changes in the social field in India. तो ये period में जो 1960 to 70 to 80 का जो पीरियड था, ये पीरियड में बहुत सारे सोशल फील्ड में भी चेंजेस दिखाई दे इंडिया में. सम ऑफ द चेंजेस आर रिलेटेड विथ इश्यूज ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए भी इश्यूज जो थे उनमें चेंजेस हुए. एंड द अदर रिलेटेड विद द पॉलिसीज रिगार्डिंग द अपलिफ्ट द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में ऐसा एक सेक्शन था, कोई सेक्शंस थे, लोग थे जो डिप्राइव थे, उनको फैसिलिटीज सर्विस अच्छी नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए अच्छी पॉलिसीज लाने के लिए ट्राई हुआ यही पीरियड में. टू प्रमोट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड इन 1985. तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए वुमेन एंड चिल्ड्रन का, ये सोच के एक सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर्म किया उनके डेवलपमेंट के लिए. नाम था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये कभी क्रिएट किया गया 1985 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सम लॉज वर मेड टू इंश्योर सोशल जस्टिस टू वुमेन एंड टू हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स इन दिस डायरेक्शन. ऐसे कोई लॉ आए सामने, ऐसे लॉज लाए गए जिससे वुमेन्स को सोशल जस्टिस मिले और हेल्प हो उनको ये डायरेक्शन में आने के लिए. दे इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट. इनमें इंक्लूड होते हैं लॉस में कौन से ऐसे लॉस थे, तो प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट, डॉरी ना लिया जाए उसके लिए एक्ट बनाया प्रोहिबिशन एक्ट. इक्वल रेमुनरेशन एक्ट एज पर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट. सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये लॉ के अंडर वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट बॉडीज में सीट्स रिजर्व की. अकॉर्डिंग टू द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी वर डिप्राइव्ड. जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तभी से पता था जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले पर्सन थे उनको कि कुछ सेक्शन ऐसा है सोसाइटी का जो डिप्राइव्ड है, अभी भी पीछे है, जिनको प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं मिला है, तो प्रोग्रेस से पीछे है, तो उनको वो मिलना ज़रूरी था. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलना ज़रूरी था कि उनको नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम जो था इंडिया में. द काका साहेब कालेलकर कमीशन वॉज सेट अप इन 1953 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बनाया गया टू मेक रिकमेंडेशन सो एज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन. उनकी कंडीशन इम्प्रूव होने के लिए रिकमेंड किया गया. इन 1978 अ कमीशन वॉज कंस्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल. 1978 में भी एक कमीशन बनाया गया, कंस्टिट्यूट किया गया, तभी चेयरमैनशिप किसके पास थी, बीपी मंडल के पास. टू स्टडी द इश्यू ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो डिप्राइव क्लासेस है, जो अभी भी प्रोग्रेस से बहुत पीछे है, उनकी प्रोग्रेस होना ज़रूरी है, ऐसे बैकवर्ड क्लासेस उनकी स्टडी करना पहले ज़रूरी था. The policy of reservation was adopted in order to strengthen the representation of backward section in various service and institution. So the policies of reservation adopt की गई उनको normal flow में लाने के लिए, उनका progress होने के लिए, उनको opportunities मिलने के लिए. So strengthen the representation of backward section, the various services and institution. अलग अलग services, अलग अलग institutes में backward section को स्ट्रेंथन करना है, तो इसीलिए अलग अलग पॉलिसीज रिजर्वेशन की अडॉप्ट की गई. द गवर्नमेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन 1989 टू एनेबल दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फ्री फ्रॉम फियर वायलेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द अपर क्लासेस. देखो क्या कहा है पॉइंट में, गवर्नमेंट ने एक एक्ट यहाँ पे पास किया 1989 में. एक्ट कौन सा था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, वो किससे बिलोंग था, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स.
किस लिए? टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ रहने के लिए, फियर से दूर रहने के लिए, वायलेंस ना हो, ऑपरेशन ना हो अपर क्लास से, इसके लिए। तो इन सब से उनको राहत मिलने के लिए ये शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स लोगों के लिए बिलोंग करता था ये एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया है। ग्लोबलाइजेशन है और एक कंसेप्ट यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए अलग अलग फील्ड में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटीज में एंड कल्चर। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज चेंजेस इन अपर पैराग्राफ। कुछ चेंजेस पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन इन डिफरेंट स्फीयर। अलग अलग लेवल पे इंडिया ने बहुत सारा प्रोग्रेस दिखाया है। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 एंड ब्रिक्स। तो G20 और ब्रिक्स का मेंबर है इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। ब्रिक्स यानी क्या? वहाँ पे बी यानी ब्राज़ील, आर यानी रशिया, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। ये पांच देश जो है कंट्री है वो मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, वो है ब्रिक्स। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस एन इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी जो फील्ड है उनमें भी अच्छा रिवॉल्यूशन, इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ है। जैसे कि मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेस्ड ऑन सैटेलाइट हैव स्पीड ऑल ओवर द कंट्री। तो अभी हम देख सकते हैं मोबाइल फोन्स, इंटरनेट हर जगह, हर घर में हमें दिखाई देता है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी हुई है, सैटेलाइट्स हैव स्पीड ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो पूरे कंट्री में ये सैटेलाइट्स फैसिलिटीज जो है वो मिलती है। इन द पॉलिटिकल फील्ड इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली। और पॉलिटिकल फील्ड में देखेंगे तो इंडिया ने दिखाया है सब वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को, डेमोक्रेसी की वजह से कैसे कंट्री सक्सेसफुल हो सकता है। तो डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियंस एंड स्पेशली द यूथ। तो इन सब की वजह से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लाइफ स्टाइल में इंडियंस के, खास करके यूथ में पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। दीज चेंजेस आर विजिबल फ्रॉम द डाइटरी हैबिट, क्लोथिंग, लैंग्वेज एंड बिलीफ्स। ये चेंजेस कहाँ पाए जाते हैं? तो नॉर्मली उनका डाइटरी हैबिट, जो खाने की चीज़ें हैं, क्लोथिंग्स, लैंग्वेज एंड बिलीफ्स में उनके अलग अलग चॉइसेस दिखाई देते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंटरनल चैलेंजेस बिफोर इंडिया। तो यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है। आपको समझ में आया या नहीं मुझे बताओ। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।